वापस एक बार हमारे पास है यहाँ पे फायरबोल्ट का ओरेकल व्रिस्ट फोन। एक्चुअली फायरबोल्ट वाले ना इसको व्रिस्ट फोन बोलते हैं और इसको व्रिस्ट फोन की कैटेगरी में डालते हैं। तो सारे स्मार्ट वॉच के एक्सपेक्टेशंस हम लोग इससे नहीं रख सकते, बट काफी अलग फीचर्स इसमें आ जाते नए। इसका फर्स्ट लुक देखते पहले। ओके, साथ में पहले गाइड्स वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने पास वॉच। अच्छा, इसके ऊपर पहले से स्क्रीन गार्ड यानी कि स्क्रैच गार्ड लगाया हुआ है शायद से। ये तो अच्छी बात है गाइस, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी के लिए इसको निकाल दिया है। एक्चुअली बोलूं दिखने में एकदम ऐसा कूल सा लग रहा है ये। साथ में ये स्ट्रैप्स आते हैं, देन प्लस एक चार्जिंग केबल भी आता है, एंड स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए शायद से ये इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। इसका स्ट्रैप्स लगाना वैसे तो इजी है, बस स्लाइड इन कर देना है ऐसे, लाइक ऐसे ले लिया और बस यहाँ से ऐसे स्लाइड कर लिया, हो गया का। फर्स्ट टाइम बूट करते हैं इसको। ओके, आ गया फायरबोल्ट का लोगो, एंड चालू करते करते मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। पहली बात तो एंड्रॉइड आ जाता है, 4G सिम भी आता है, लाइक यहाँ पे ना 4G सिम का स्लॉट है। ओके, सर इसमें हम लोग सिम कार्ड भी डाल सकते हैं यहाँ से। ओके, मैं डाल लेता हूँ पहले से सिम कार्ड। ये देखो गाइस के अंदर, गाइस देखो यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया है। ये एक्चुअली एक 4G वॉच है, मतलब कि 4G वाली सिम इसमें डल सकती है। वॉच भी नहीं, ये फोन है ऑब्वियसली। गाइस वॉच के अगर फील की बात करूँ ना तो काफी सॉलिड फील आ रहा है, और ये तो साइड से ऐसे मेटालिक वाला ही लग रहा है मुझे। जैसे यहाँ पे क्राउन दिया गया है और इसको दबा भी सकते हैं हम लोग, और नीचे भी एक बटन है ये साइड से। ये साइड से तो ऑब्वियसली मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे सिम कार्ड डलता है। ओके, ऐसे नीचे से स्वाइप करते काफी सारी चीजें आ जाती है, ऊपर से स्वाइप करते तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेंगे। गाइस देखो, अगर नोटिफिकेशन आपको ये ठीक है तो ऐप से इसको कनेक्ट करना पड़ता है, देन ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आएंगे। ये देखो डायरेक्टली मेरे भाई का मैसेज फ्रॉम ए, मेरे भाई का नाम मैंने ए से सेव किया है, तो सीधा यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन। और ये देखो मोबाइल में भी इसका मैसेज आया है करके। तो यहाँ पे भाई नोटिफिकेशन सिर्फ दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई उसके लिए हम लोग के पास डायरेक्टली व्हाट्सएप भी आ जाता है इस वॉच के अंदर। ये देखो इसके अंदर डायरेक्टली प्ले स्टोर आ जाता है दोस्तों, लाइक नॉर्मल सा प्ले स्टोर आ जाता है। एंड यहाँ पे देखो अभी हम लोग सर्च करते हैं व्हाट्सएप को, ठीक है। बिकॉज ये देखो कीबोर्ड है ना, थोड़ा सा छोटा लगेगा दिखने में ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्रीन इसकी छोटी है। बट हम लोग अगर टाइप करना है सही से तो या तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस। ये देखो व्हाट्सएप मैंने सर्च किया एंड व्हाट्सएप आ गया। ये वाला तो मैंने इंस्टॉल किया था पहले से ही, आई थिंक अपने को व्हाट्सएप बिजनेस वाला भी चाहिए। ये देखो, ये वाला भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखो आराम से यार यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। ये देखो व्हाट्सएप डायरेक्टली अपने पास आ जाता है, यहाँ पे मेरे भाई के साथ हम लोग चैट कर रहे हैं। और ये देखो, और अभी अपने को मैसेज भेजना है तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं एक्चुअली, बट इश्यू ऐसा ना जब साइड से हम लोग ये करते लाइक यहाँ पे क्लिक लाइक एकदम नीचे, तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, थोड़ा सा ऐसा वैसा करना पड़ता है और कीबोर्ड भी छोटा हो जाता है। लेकिन अभी अगर मुझे नॉर्मल मैसेजेस टाइप करने तो हेलो, ये देखो हेलो ऐसे स्वाइप करके इजीली हो जाता है। ठीक है, आराम से हो गया ये, एंड इससे बैक बटन भी है। आई थिंक इतने छोटे से वॉच में लेकिन टाइप करने से बेटर है सीधा वॉइस मैसेज यूज कर लो। ये देखो वॉइस कॉल किया मैंने, हेलो कहाँ है तू, मैं नहीं बताऊंगा। ये देखो वॉइस भेज दिया, हेलो कहाँ है तू। ये देखो आ गया वॉइस, आराम से वॉइस मैसेज से चैटिंग करना बेटर रहेगा इसमें। बाकी सारे एप्स भी गाइस इसमें सब इंस्टॉल हो जाते हैं, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टॉल किया, वो भी मैं चला के दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कुछ जो आप वॉच से एक्सपेक्ट करते हो, वह कॉलिंग का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली कॉल्स भी लगा सकते हैं। इस वॉच में ना ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं कर सकते, लाइक हम लोग जो एग्जिस्टिंग अपना फोन है उससे कॉल नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी जगह डायरेक्टली इसमें जो सिम कार्ड डाला है उससे हम लोग कॉल लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ से मैं ना डायरेक्टली विकास को कॉल लगा रहा हूँ अभी। ये देखो इसको डायरेक्टली खुद का एक कॉल आ रहा है अभी। हेलो, आवाज आ रहा है क्या तेरे को मेरा? आवाज आ रहा है, कौन बोल रहा है? अरे अभी यहाँ से वहां गया गाइस, बहुत नाटकी करता है, इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग कहीं पे भी कॉल लगा सकते हैं। बाकी भी भाई देखो एंटरटेनमेंट के एप्स वगैरह, जैसे अभी चलो इंस्टाग्राम में ओपन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रील्स वगैरह थोड़ी सी हम लोग स्क्रॉल करते हैं। नया अकाउंट बनाया मैंने आपके लिए, तो ये देखो रील्स स्क्रॉल करते हैं थोड़े से। ये देखो गाइस रील्स वगैरह इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो जाता है आराम से। इतनी छोटी इस पे देखना, मतलब देख तो सकते हो आप, लेकिन काफी टाइम तक देखना थोड़ा मुश्किल जाएगा आराम से, लेकिन मजा तो आ रहा है यार, सच्ची बोलता हूँ। स्क्रॉल हो सकता है इसमें, इजीली हो सकता है स्क्रॉल वगैरह। सेव में अगर आपको गेम्स खेलने तो गेम्स भी खेले जा सकते हैं। मैंने ना यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि हम लोग रिसेंट एप्स नहीं देख सकते, डायरेक्टली हम लोग दूसरा ऐप ओपन कर सकते हैं। ओके, सबवे सर्फर्स खेल के देखते हैं, मुझे एक्चुअली देखना कितना स्मूथ चल रहा है। ठीक है, यो चल तो रहा है भाई, खतरनाक चल रहा है, इतना कुछ है ना इसमें इशू नहीं है। वाह, अरे नूबरा बंदा हूँ क्या मैं? यो यो भाई गेम तो खतरनाक चल रहा है, आराम से चल रहा है भाई। ये आ गया बुड्ढा अपने पीछे आ गया। ए छोड़ भाई,
गाइस वॉच का साउंड रहेगा, लेकिन कम करने के लिए ना मुझे सेटिंग में जाना पड़ा। लाइक मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कम करते, तो सेटिंग से आपको मिल जाएगी ये सारी चीजें। ओके, अभी हम लोग इसमें यूट्यूब चला के देखेंगे। स्क्रीन वगैरह काफी बड़ी है इसकी वजह से। ओ, अपना ही यहाँ पे वीडियो आ गया, ये देखो, इसको देखते हैं हम लोग। चलो 4K में देखेंगे मस्ती के। वाह, थैंक यू गूगल वालों, इतना बड़ा ऐड चला है, पता क्या? आवाज सही है, स्क्रीन भी सही है। ओके, ऐसे देख सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है गाइस, ठीक है, 1.96 इंच का है। व्यूअर्स गाइस, डिटेल में तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मतलब मजा तो ले पाओगे, आवाज तो सही है इसका। अभी देखो गाइस, मैं ना इस वॉच का एक्चुअल वाला यूज केस बता सकता हूँ आपको कि क्या इसका पीछे लाइक रीजनिंग है यूज करने का। गाइस ये देखो, गेम खेलने में बस एक ही दिक्कत आ रही कि लाइक ऐसे नहीं चलेगा ना ये गेम, ऑब्वियसली तो ऐसे खेलना पड़ेगा अपने को। तो इसका देखो यूज केस मैं समझा सकता हूँ आपको। एक आध ऐसा हो सकता है कि चलो कोई गेमर है, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता है, तो उसने चलो कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड करने के लिए लगा दी, और बाद में बाद में उसने इसको बंद कर लिया और मोबाइल पे बाद में चेक किया खेलना, मोबाइल पे स्टार्ट कर दिया, ऐसा सब कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज है भाई, लेकिन यार गेमिंग जो एक हैवी वाला टास्क है वो करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा वार्म वार्म फील लगता है। सर्दियों में मजे यार, सर्दियों में ऐसे हाथ एकदम गर्म कर सकते हैं आराम से, कोई सीन नहीं। देखो इसके सारे के सारे ऐप्स दिखा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप बाकी नॉर्मल से ऐप्स तो हमेशा ही इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। बाकी देखो हार्ट रेट वगैरह इसमें देख सकते हैं, ऑक्सीजन भी हम लोग देख सकते हैं। इसको पहन के दिखाता हूँ, ये देखो ऑक्सीजन हम लोग देख लेते हैं। भाई कितनी होगी मेरे में ऑक्सीजन, क्या लगता है दोस्तों, पास होऊंगा या नहीं? 90% आएंगे या नहीं? नहीं, 97%, ठीक है चलो। देन सेम में देखो स्पोर्ट्स मोड्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह करनी है आपको, पेडोमीटर यानी कि कुछ लोग वॉकिंग वगैरह करते हैं हेल्थ के लिए, उनके लिए पेडोमीटर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, कैलोरीज कितने बर्न हुए वो सब दिख जाएगा। कैलकुलेटर वगैरह ये सॉरी नॉर्मल से ऐप्स तो आ जाते हैं, फुल फ्लेश्ड ब्राउजर यानी कि क्रोम ब्राउजर, पूरा क्रोम ब्राउजर भी आ जाता है, यहाँ से आप नॉर्मली कुछ भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोम से हम लोग ने चलो अमेजोन पे क्लिक किया, मैंने देखो अमेजोन खुल गया आराम से, कोई सीन नहीं इसका। देखो मैप्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, इसमें GPS भी आता है, तो मैप से भी आप वॉकिंग करते समय यूज करना इसको, ड्राइविंग करते समय नहीं, वॉकिंग करने के लिए मस्त होगा। एंड गूगल असिस्टेंट ये भी है ऑब्वियसली, तो हम लोग असिस्टेंट वाली भी चीजें इसमें करवा सकते हैं। ये देखो इसको मैंने अभी ये दे दिया। Hi, Katarnak. I'm your assistant. Here to help you throughout your day. Here are some things you can try saying. ठीक है, अभी असिस्टेंट को कुछ पूछते हैं। ठीक है, टेल मी अ जोक। Why won't the shrimp share its treasure? Because it's selfish. अरे यार हिंदी में बोलने बोलो यार, हिंदी में मजा आता है, इसमें कुछ नहीं समझता मुझे। कोई जोक सुना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। These are the top results. Tell me a joke in Hindi. अरे यार हिंदी चाहिए ना अपने को, एक मिनट। 2000 years later. कोई जोक सुना। चुप, बिल्कुल चुप। इतना गंदा जोक सुना है गूगल ने भाई, मजा ना आया बिल्कुल भी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस गूगल असिस्टेंट से आप बाकी भी काम करवा ही सकते हो, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोल दिया इसको, कॉल विकास। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ओपन यूट्यूब। ये देखो यूट्यूब वगैरह आराम से ये ओपन कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट, बट यार हाथ से ओपन करना भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं भाई, आलसी मत बनो ज्यादा। फ्लिपकार्ट वगैरह भी ओपन हो जाता है, शॉपिंग भी आप यहाँ से ही कर सकते हो आराम से। देखो आराम से यार शॉपिंग वगैरह, ये ऐप वगैरह चालू हो गया, स्किप कर देता हूं इसको फटफट। भाई देखो आराम से हम लोग यहाँ पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ये तो भाई लास्ट वाले ड्रीम वाले वॉच में भी था ये चीज है। कैसे इतना छोटा होकर भी इसमें 16GB का स्टोरेज आता है और 2GB की रैम भी आती है, लैग तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसमें बैटरी लेकिन है ना 700mAh है, इतने छोटे साइज के लिए सही है बैटरी। अगर आपको प्रैक्टिकली बताओ तो मैंने जब 100 थी बैटरी तब स्टार्ट किया था हम लोगों ने इसको यूज करना, एंड अभी 80% बैटरी हुई है। एंड टाइम कितना हुआ विकास? 32 मिनट्स में 20% बैटरी कम हो गई, यानी कि डेढ़ घंटे तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। मैं भी कंटिन्यूसली इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहा हूँ, प्लस बड़े बड़े एप्स वगैरह ट्राई कर रहा हूँ। जैसे अभी देखो पबजी मैंने इंस्टॉल किया इसमें, देखते ना BGMI। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे BGMI खेल के देख रहे हैं, लिटरली खेल के देख रहे हैं, मतलब कि इसमें खेलो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि इसमें चलता है या नहीं, ताकि आपको चेक ना करना पड़े। मैं लिटरली खेल के सिर्फ देख रहा हूँ कि प्लेबल यानी कि इतना परफॉर्मेंस दे सकता है कि ये वॉच। ऑब्वियसली मल्टी टच तो इसमें है नहीं, बट आराम से यार चला रहा है, मतलब उतना प्रोसेसिंग है इसमें, है भाई उतना प्रोसेसिंग। ये देखो हम आराम से भाग पा रहे, कुछ
कूद सकता हूँ क्या? हाँ ये देखो कूद भी पा रहे आराम से, मतलब इतना प्रोसेसिंग दे रहा है आराम से। और कनेक्टिविटी के मामले में देखो 4G का सिम तो इसमें डाल सकते हैं, साथ में इसमें वाईफाई को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने शायद सिम भी डाला है प्लस वाईफाई भी कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ भी चालू, इसलिए शायद ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है। लाइक ऑब्वियसली फुल ब्राइटनेस पे हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। गाइस देखो इसमें ना आप लोग कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वाला, जैसे कि अभी ये वाले ईयरबड्स, ठीक है, ये मैं कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली फायरबोल्ट के साथ, लाइक वॉच के साथ ये। सो अभी मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया एंड थोड़ा साउंड प्ले करके दिखता हूँ, एक मिनट। माइक चल रहा है, मतलब कि कनेक्शन आराम से कर सकते हो आप, आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा ये क्या बोलते हैं फोन की जरूरत नहीं है, फोन को रिप्लेस करने के लिए ये बनाया गया है। बट ऑब्वियसली सबका यूज केस अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से ये आपको उतना यूजफुल लगेगा। प्लस गाइस IP67 वाटर रेजिस्टेंस आता है, इसलिए आराम से आप कहीं पे भी पानी में भी इसको यूज कर सकते हो, हाथ धोते समय इसको निकालने की जरूरत नहीं। डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो चाहिए वो लगा लो। इस वॉच को सिर्फ हम लोग एक स्मार्ट वॉच नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें फोन के भी काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली रिस्ट फोन जैसा हो जाता है। एंड इसके यूज केसेस भी काफी अलग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं वो भूल जाते हैं कि फोन कहाँ पे रखा है, तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। देन किचन में काम करते समय, कुकिंग करते समय इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इजीली, शायद इसलिए फायरबोल्ट ने इसको एक फोन का रिप्लेसमेंट बोला। गाइस ये फायरबोल्ट का ओरेकल एक रिस्ट फोन जैसा फायरबोल्ट ने मार्केट किया है, और खतरनाक सा मतलब चलता है, फोन वाले फीचर्स काफी सारे ये कर सकता है काफी हद तक, बस कैमरा की एक कमी रह गई है अभी इसमें। आप लोग बताना यार कि आप वॉच में क्या क्या कर सकते हो या फिर क्या करना चाहते हो फोन वाली चीजें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक देना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।